श्री राहुल गांधी जी जो मणिपुर गए हुए हैं उनके खबरों को हम देख पा रहे हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं वो जिद उचित नहीं है जागरूक होके जाना चाहिए था सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस जब सिचुएशन इस प्रकार की हो तो हृदय में सेंसिटिविटी होनी चाहिए जागरूकता होना चाहिए जिद और स्टबर्नेस नहीं होनी चाहिए वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम एक लोकतंत्र हैं स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी मणिपुर जाना चाहते थे गए मणिपुर किसी ने रोका भी नहीं उन्हें मगर मणिपुर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि विगत दो तीन दिन से जब से राहुल गांधी जी का मणिपुर आने का खबर मणिपुर के लोकल न्यूज चैनल्स में चल रहे हैं अखबारों में छप रहे हैं राहुल गांधी जी के विजिट को लेकर काफी प्रोटेस्ट मणिपुर में हो रहे हैं राहुल गांधी जी और जो कांग्रेस पार्टी है मणिपुर में कई लीगसी इश्यूज़ हैं आज जो परिस्थिति हम मणिपुर में देख रहे हैं इन कुछ लीगसी इश्यूज के कारण हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ है आई डोंट वॉन्ट टू विजिट दोज इश्यूज बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी अटैच टू देम मैं भी उनका यहां उदाहरण रखना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है सेंसिटिव है और हमें समझना होगा कि एक एक शब्द जो हम कहते हैं वो इफेक्ट डालता है मणिपुर के सिचुएशन पर तो स्वाभाविक रूप से राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सबने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी और क्यों बॉयकॉट किया था वो लेगेसी इश्यूज को इन्यूमरेट किया था इन स्टूडेंट यूनियंस ने कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जिसको सीएसओ कहते हैं सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने मेरा पाई भी अर्थात हमारी वहां जो महिलाएं हैं जो माताएं हैं मणिपुर में उनके कई संगठनों ने भी राहुल गांधी जी के खिलाफ उनके विजिट के खिलाफ आवाज बुलंद किया था इन सब को ध्यान में रखते हुए जब राहुल गांधी जी आज सुबह लगभग 11 बजे के आसपास इम्फाल में उतरे हवाई अड्डे पर और उससे पहले भी कम्युनिकेशन के माध्यम से राहुल गांधी जी को और उनके दफ्तर को कहा गया एक रिक्वेस्ट किया गया सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि राहुल जी आप चुड़ाचांदपुर जाना चाहते हैं रिलीफ कैंप विजिट करना चाहते हैं कोई बात नहीं आपका अधिकार है बिल्कुल जाइए कोई आपको रोकेगा नहीं मगर सड़कों पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करके आपके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उतारू हैं हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए और यहां की सेंसिबिलिटी के लिए जो सेंसिटिव सिचुएशन है तो उचित होगा आप हेलीकॉप्टर लेके चुराचांदपुर जाए और मैं आपको बता दूं माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी जब दौरे पर गए थे मणिपुर में तो उन्होंने वहां जायजा लेने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर सर्विस तीन स्थानों पर चालू किया था चुरा चांदपुर जाने और आने के लिए मोरे जाने और आने के लिए और कांगपोपी जिला जाने और आने के लिए माननीय अमित जी के निर्देश अनुसार वहां चौपर सर्विस हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की गई थी मात्र ढाई हजार रुपए कीमत है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पेमेंट करने पर आप चुरा चांदपुर जा सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन ने राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट किया आप एक पर्चा कटाइए और प्लीज यू टेक हेलीकॉप्टर टू तो चुरा चांदपुर इससे सड़क रूट जो है उस सड़क रूट पे किसी प्रकार की वहां पर गड़बड़ी होने की आशंका है लोग बाहर निकलने के लिए जो इच्छुक है आपको प्रोटेस्ट करने के खिलाफ वो नहीं होगा और यहां वील मेंटेन काम मगर राहुल गांधी मानते नहीं उनको मोहब्बत का दुकान खोलने की जल्दी है झटापट किसी से बिना मशुरा किए जिद करते हुए वो निकल गए और वही हुआ जिसका अंदेशा था अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पे लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक राहुल गांधी गो बैक अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वह सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक और अब राहुल जी के काफिले को बिष्णुपुर में एक स्थान है विष्णुपुर विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ तो वहां रोकना पड़ा और राहुल जी खुद वहां से अब यूटर्न लेके वापस आ रहे हैं यही अगर राहुल जी सुबह करते एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हेलीकॉप्टर से चुरा जाते तो आज मणिपुर आज जो टीयर गैस चले हैं आज जो स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण इम्फाल में बना है ये मणिपुर में नहीं होता मुझे लगता है कि राहुल जी की ये बिहेवियर इट वाज हाईली इनरेस्पॉन्सिबल आई ऑलवेज से राहुल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नेवर ट्रेवल टूगेदर द सेम टुडे। ही शुड हैव बीन मोर रेस्पॉन्सिबल मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ मणिपुर जून थर्टीन से तेरह जून से अब तक शांति थी किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना दुर्घटना और किसी की जान नहीं गई थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज सुबह एक व्यक्ति के जान के जाने की खबर है दुखद खबर है और हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं द सिचुएशन इज कमिंग अंडर कंट्रोल लेट्स नॉट फाइट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेम्स जब सिचुएशन कंट्रोल की तरफ बढ़ रहा है अब आगजनी नहीं है अब गोली नहीं चल रही है लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो यह उचित नहीं है मुझे इतना ही कहना था और मुझे लगता है क्योंकि ये बाइट है और एक बहुत सेंसिटिव विषय पे मैंने अपने विषय को रखा है हम सब इसको समझेंगे एक एक शब्द जो हम कहते हैं इट हैज सम इफेक्ट इन मणिपुर So we all would be responsible. We all would be responsible citizens of this country. This appeal may her Congress or her opposition leader say thank you so much.